घर यहीं बना दीजिए मैं तो इन सर हो दो कल डाल रखे आंटी ने वैसे हाथ दे भी आ बीच कब निकालेगी अभी थोड़ी देर में जाएगा ना सूख जाएगा मसूर की दाल खाएंगे अब थोड़ी दिन बाद रखी है अपन देखो कैसे बना रखी है खाओगी क्या अब उनकी आवाज चल रही है और यहाँ पे आरू भी बैठ रखी है आरू किस में बैठी है वो कल में नए ब्लॉग में नए दिन के साथ तब तक के लिए बाय 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 कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे मैं भी एकदम बढ़िया हूँ मैं दिशु आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि तो दोस्तों अभी हो रही है मॉर्निंग मैं मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मम्मी लोग का भी है बाहर पे काम वगैरह तो अभी दिखाती हूँ धनिया वगैरह हो गया है हमारा तो वो सब काट रहे हैं तो दिखाती हूँ आप लोगों पर लोगों को भी ले चलती हूँ सीधे बाहर की ओर फिर उसके बाद मैं धोनी है कपड़े वगैरह फिर धोऊँगी मैं फटाफट से कपड़े वगैरह तो ले चलती हूँ बाहर की मम्मी काटने लग गई है बाहर पे धनिया चप्पल तो है नहीं अंदर से लेके आने पड़ेंगे चप्पल भी चलते हैं अब मम्मा हो गया धनिया हाँ न ले रही आई एक ले रही हूँ बल ये ना लगा मैं बल ले दिया वाले गाजी अभी हाथ में रखो फिर लाऊंगे ना काट दी नहीं हो आंटी काटने लग गई है वहां पे जो देखना आंटी फटाफट से जो काटेगी कल डाल रखे आंटी ने वैसे हाथ तो आज काटेगी मतलब आज नहीं काटते क्योंकि आज अमावस्या है बोल रहे थे तो इसलिए नहीं काटते हैं पे ही आ गया है एक हेलीकॉप्टर शायद से आर्मी का है ये देख सकते हैं आप आर्मी का है शायद कई सामान वगैरह पहुंचाने के लिए जा रहे हैं आर्मी का फौजियों का है कोई सामान वामान पहुंचाना होगा इसको भी चैन नहीं उमड़ पड़ रहा है यहाँ से पता नहीं कहाँ जाने की सोच रही है बिना चप्पल के आइए देखो धूप में खड़े नहीं देखो मम्मी ने इतना धनिया खा दिया है अब इसके निकालेगी ये बीज कब निकालेगी अभी थोड़ी देर में जाएगा ना सूख जाएगा हाँ अच्छा ठीक है तब तक मैं कपड़ा हमारा काम वगैरह हो गया है धनिया वगैरह तो काट दिया है मम्मी ने तो अब मैं फटाफट से पहले कपड़े वगैरह धो लेती हूँ उसके बाद खाना वगैरह बनाने का टाइम हो जाएगा तो फटाफट से हम बनाएंगे आज बनाने जा रहे हैं काले वाले चने फिर से उनको सिलपट्टे में पीस के फिर बनाएंगे उसकी सब्जी वगैरह तो मिलती हूँ आपको अब फटाफट से थोड़ी देर बाद तो अभी हो रही है शाम तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट कर लिया था तो मम्मी ने उसके बाद चाय वगैरह बनाई हमारे लिए तो अभी हो रही है शाम देख सकते हैं आप अभी मैं नींद से उठी हूँ तो आरिका तो अभी भी सो रखी है
अलिका तो अभी भी सो रखी है वो, मैं उठ गई तो अंडे लोगों ने आज निकाल दिए मसूर, देख सकते हैं यहाँ पे डाल रखे पूरे धूप में मसूर, मसूर की दाल खाएंगे अब थोड़ी दिनों बाद। देखिए मसूर अभी जो हो रखे हैं वही वही निकाल रखे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ आंटी लोगों ने उस दिन वो पूरा कर दिया था तो मैं दिखा नहीं पाई थी। आपन वगैरह पूरे डाल रखे हैं इधर से उधर, अब होने लग गया है जो भी है। बारिश तो हुई नहीं, सही टाइम पर बारिश होती तो अच्छी खासी खेती हो जाती, लेकिन बारिश हुई नहीं तब भी ठीक ठाक हुई है। और यहाँ पर बना रखे हैं अपन, देखो कैसे बना रखे हैं, ये रहा ये बनाया था आंटी ने, ये वाले मैंने भी बनाए थे, इस पे तीन देखो कैसे बना दिए। और यहाँ पे बनाए गुन्नू की मम्मी ने, तो चलते हैं दोस्तों। आंटी जा रही है घास काटने के लिए, बरसीम काटने जा रही है आंटी। यहाँ पे आंटी ने गमले वगैरह भी हटा दिए हैं यहाँ से, क्योंकि धीरे धीरे करके ना थोड़ी टाइम नज़दीक आते जा रहा है सारी का, तो सफाई वगैरह भी चल रही है इनकी। तो चलते हैं सीधे नानी को, देखो वहाँ पे बैठ रखे बिल्कुल चश्मा वगैरह लगा के, चलते हैं आगे की ओर फटाफट से। और एक चीज़ और ये दिखा रही हूँ आप लोगों को, देखो माल्टी में भी और फिर से फूल आने लग गए हैं, देख सकते हैं आप इतने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं इस पर, देखो बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे आ रखे हैं। और यहाँ पे धनिया तो हमारा ऐसा ही हो गया है, तो दोबारा खेती वगैरह जो भी है सब्जी वगैरह लगाने का टाइम हो गया है, तो इसलिए धनिया सूख गया है, दोबारा लगाएंगे तभी। ये देखो मम्मी ने यहाँ पे निकाल रखा है धनिया वगैरह, और साफ भी कर दिया है ये, अभी आधा ही निकाला है क्योंकि अभी आधा हुआ नहीं है, तो इसलिए इतना ही निकाल रखा है अभी। देखो इतना तो बचा ही है अभी, धनिया वगैरह जो भी है आधा निकाल रखा है और आधा अभी इतना बच रखा है, ये देख सकते हैं। और इतने में मुझे आरू के उठने की आवाज़ आ गई है, मैं चलती हूँ सीधे आरू के पास क्योंकि वो उठ गई है, वो रो रही है अंदर, अभी आऊँगी बाहर। आरू भी उठ चुकी है, मैं इसे ला गई हूँ बाहर पे, ये रो रही थी अंदर तो मैं इसको बाहर ले आई हूँ। आरू देखो क्या हुआ, क्या देख लिया जी, खाओगी क्या अब, खाओगे क्या, खाओगे क्या, खतरनाक हो गया है, बारिश आने जैसा हो गया है आज तो, पहले नवरात्र के दिन ही इतना ख़राब मौसम हो गया है आज। और यहाँ पे इन लोगों ने उठा दिए हैं, इतने लोगों ने, सब लोगों ने उठा मिल के उठा दिए हैं यहाँ पे मसूर, और यहाँ पे बना दिया है ढेर, और उसको कपड़ों से मतलब बंद करके ढक दिया है पूरा अच्छे से, और ताकि वो बारिश से भीगे ना। देखो कितनी हवा चल रही है अभी, उधर को हो रहा है खतरनाक मौसम उधर साइड को, लेकिन इधर को अभी थोड़ा बहुत ठीक है, उतना ख़राब नहीं हो रहा है, बस हल्की फुल्की हवा चल रही है। और यहाँ पे आरू भी बैठ रखी है, आरू किस में बैठी है, वकल में बैठी आरू, वो गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में तो दोस्तों शाम भी हो ही गई है, लगभग लगभग रात होने वाली है, बहुत जगह पे लाइटें भी जल चुकी है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दीजिए मिलती हूँ आपको अपने नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।